नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का हो या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का, घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र ही होता है। वहीं आम जनमानस व किसानों का कहना है कि किसी भी पार्टी ने किसानों का भला नहीं किया। कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और साहित्य व अन्य वर्गों के हितों के लिए कदम उठाने की बात कही गई। कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के कुछ किसानों ने से जब बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का हो या किसी अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टी का, वह केवल घोषणा पत्र ही होता है। कैथल जिला के किसानों से जब हमारी टीम द्वारा बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव के समय में अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र इसी तरह से बनाया जाता है, जिसमें किसानों को बरगलाने का काम किया गया है और तरह तरह के लुभावने वायदे भी किए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात वह सभी राजनीतिक दल किसानों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी पार्टी ने आज तक किसानों का भला नहीं किया, ये केवल चुनावी जुमला होता है और जो समय बीत जाने के बाद काम नहीं आता। आइए देखते हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट और किसानों से खास बातचीत में। देखिए जी, 70 साल से हम कांग्रेस को देखने लग रहे हैं। 70 साल से ये अपने घोषणा पत्र, जब वोट लेने की बात आते तो ये घोषणा पत्र जारी करते हैं। आज लग कांग्रेस सरकार की बात हो या बीजेपी की सरकार की बात हो, इनके घोषणा पत्र निरपरी ढोंसला रहा है। रही बात पीछे बीजेपी ने स्वामीनाथ योग की रिपोर्ट में धनखड़ जी, सुभाष बराड़ा जी, काफ़ी हमें नेता वाइट देते हुए देखे हैं। भाई उन्होंने कहा था हम स्वामीनाथ योग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद वो कचरे की टोकरी में घोषणा पत्र को फांका जाता है। किसानों का भला आज लग ना तो कांग्रेस ना बीजेपी किसी ने नहीं किया। अब सरसों की फसल हमारी मंडी में आई हुई है, कोई सरकार सूद नहीं ले रही, कोई वहाँ गवर्नमेंट खरीद शुरू नहीं कर रखी। किसान की बेकदरी पहले भी सरकार ने की और बीजेपी भी ने किया। किसान की कोई सूद नहीं रहा, कहीं कोई गंडा का रेट टाइम पे, कोई गंडे की पेमेंट टाइम पे दे रहा नहीं, कोई सिरसम की खरीद नहीं करे। अब गेहूँ आएगा सीजन जैसे, वो भी वहाँ किसानों को बहुत परेशानी है। टाइम पे कोई भी सरकार, सब घोषणा पत्र बकवास है। देखिए, हम किसान यूनियन के प्रवेश प्रवक्ता कैथल से हूँ। हमें पहले भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन इनका किया है, सब्जी रोकने का भी, हमने दूध पानी भी बंद करने के सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सरकार के आज लग हमें बहुत बड़े बड़े आंदोलन है। हमें दिल्ली घिराव का भी आंदोलन किया था, लेकिन सरकार निरापुरी जो वादा करते हो उस पर कभी आज तक पूरी नहीं उतरी, ना कि जो भी कोई घोषणा पत्र करते हो उस पर खरे अमल किया। आज तक कांग्रेस की बात है चाहे बीजेपी की बात है। देखिए, किसी भी पार्टी ने किसानों का कोई भला नहीं किया। किसान का वोट बटोरने के लिए अपने घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और घोषणा पत्र जारी होने के बाद वोट किसानों के बटोर कर ले जाते हैं। किसानों के वोट बटोरने के बाद वो रद्दी खाते में डाल देते हैं। बीजेपी ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की थी, लेकिन सुभाष बराड़ा और ये कृषि मंत्री कपड़े निकाल कर प्रदर्शन कर दे किसानों का, ये कर देंगे किसानों को, कर दे स्वामीनाथन के योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। आज लग कोई रिपोर्ट लागू नहीं की। MSP मूल्य पर भी फसल हमारी नहीं खरीदी जाती। सूरजमुखी पीछे बहुत कम रेट में गई। अब ये सरसों की फसल है, सरसों की फसल भी गवर्नमेंट 4200 रुपये रेट पर नहीं खरीद गई और 3200 के रेट पर नमी दिखा करके किसानों को लूटा जा रहा है। कोई घोषणा पत्र, किसानों के वोट लेने के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, किसानों के कोई भला नहीं करता। बिल्कुल देखिए, आज लग किसान का किसी पार्टी ने कोई भला नहीं किया। किसानों को सिर्फ वोट बटोर के और लूट के चले जाते हैं। किसान आंदोलन करता रहता है, आंदोलन के टाइम लाठी गोली मिलती है उसको, किसान के उस पर कोई भी सोच विचार नहीं किया जाता। बिल्कुल हर पार्टी अपना घोषणा पत्र का सबज भाग दिखा करके किसानों को लूटने का काम करती है। किसान का किसी भी ने भला नहीं किया। अगर किसान का भला करते उसके ट्रैक्टर पर, इस पर जो GST लगाई है, किसान का उनको लूटने का काम किया है, किसान की किसी ने भी सुध नहीं ली है। किसानों को सिर्फ एक वोट का जरिया बनाया है। हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। किसान का बेटा और किसान आज भी कर्जदार है। 12.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
सिर्फ घोषणा पत्र में ही किसान को यूज किया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ये कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों को कर्ज माफ़ी के लिए कहा था, मगर वहाँ किसान आज भी बिजली और पानी और उस कर्ज माफी से आज भी रो रहा है। किसान की हालत दयनीय है। वही नई बोतल में पुरानी शराब डालकर किसान को ऐसे ही सबजबाज दिखाए जाते हैं। किसान के बेटे को 10% नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। किसान को GST से अलग करना चाहिए। किसान की ज़मीन खुरेदी जा रही है। किसान को व्यापारी बनाया जा रहा है। किसान पर कोई छूट नहीं है। किसान सिर्फ मर रहा है तो गरीबी से मर रहा है। चौधरी देवीलाल ने किसान ट्रैक्टर तम्बाकू मालिया माफ़ किया था और कच्चे खाड़ों को पक्का किया था। किसान के कर्जे माफ़ किए थे। चौधरी छोटू राम ने भी किसानों के लिए बहुत ही सुविधा दी थी, मगर आज के जो राजनीति लोग हैं वह सिर्फ टीवी पर ही किसानों की पीठ थपथपाते हैं। टीवी पर सिर्फ किसानों के लिए ही अपने भाषण लंबे लंबे चौड़े भाषण छोड़ते हैं। पहले किसान बीमा योजना आई थी जिसमें अनेकों करोड़ों रुपए किसानों के ढकारे गए थे। जब किसान की फसल बर्बाद होती है तो ये कहा जाता है किसान की जब 80% गांव की फसल बर्बाद होगी तो किसानों को बीमा मिलेगा। और बैंकों ने किसानों को बड़े 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 लूटा है। 500-500 रुपये किसानों के खाते से बैंकों ने काटे हैं। हम उन नेताओं को जवाब देंगे कि आपने किसान के लिए क्या किया है, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे कैथल से भी बड़े बड़े नेता वहाँ लंबी लंबी भाषणें देते हैं। जब किसान के ओलावृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, तो एक दिन भी किसान के खेत में आकर नहीं देखा। अब चुनाव के समय आएंगे और अपना भाई बंधु बताकर किसान को वोट लूटने का काम करेंगे। और हम उस क्या मानते हैं किसान, अब किसान बड़ा समझदार हो चुका है। जो किसान का साथ देगा, और मेरी आप द्वारा मांग है कि जो भी किसान का घोषणा पत्र लागू हो, जो पार्टी इस घोषणा पत्र को लागू नहीं करती उसको उस पर केस दर्ज किया जाए और उसी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए, ताकि हिंदुस्तान का किसान दोबारा से इस बहकावे में ना आए।